अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज है जुम्मा, आप सभी को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। और गाइस मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ, बस पोछा लगाना बाकी रह गया है। मैं जा रही हूँ पोछा भी लगा लेती हूँ जल्दी से। गाइस ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा के लिए वीडियो बनाना छोड़ रही हूँ। गाइस आप सभी भी बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप सभी इतना प्यार करते हैं तो मैं वीडियो कभी कभी बनाऊंगी। और अकेले मैं ये वाला चैनल को यहाँ तक लेके नहीं आई हूँ, मेरा वीडियो बनाना एडिटिंग सब भैया ही करते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस चैनल में। और उन्हीं के कहने पर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की थी। तो गाइस बहुत दिन हो गया था, मसाला वाला डब्बा को नहीं धोई थी और इसमें धूल भी बैठ गया है, तो मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ। तो गाइस मैं सारे डब्बों को अच्छे से धो चुकी हूँ, चलिए इसको मैं रख देती हूँ, फिर उसके बाद नहाने के लिए जाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। आज नाश्ते में है बैगन आलू का सब्जी और रोटी। नाश्ता कर लेता हूँ फिर उसके बाद वर्कआउट करूँगा। और आज जुम्मा भी, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। और नमाज पढ़ने भी जाना है तो फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ। गाइस मैं नहा धोवा के रेडी हो चुकी हूँ और बाहर में दूध वाले अंकल आए हैं, तो चलिए दूध ले लेते हैं। ये देखिए हमारे गाँव के फेमस दूध वाले अंकल, पूरे गाँव में यही दूध देते हैं। इनके पास बहुत सारा गाय भैंस है। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैं कुछ अपना सप्लीमेंट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद वर्कआउट करेंगे। गाइस जो मैं सप्लीमेंट लेता हूँ वो हार्मफुल नहीं है, ये मसल रिकवरी और एनर्जी बूस्टिंग के लिए है। इसे लेने के बाद आपका फोकस अच्छा होता है और वर्कआउट भी। आप सभी को मेरा होम वर्कआउट देखना है तो कमेंट करिएगा, मैं पूरा वर्कआउट का अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा गेनिंग चल रहा है, बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था तो वेट लॉस हो गया है। गाइस मेरा वर्कआउट कम्प्लीट हो चुका है और नमाज पढ़ने जाने का टाइम भी हो रहा है, तो अब जा रहा हूँ नहाने के लिए, फिर आप सभी से मिलता हूँ। आज मैंने चेस्ट और बाइसेप को ट्रेन किया है। गाइस भैया नहाने के लिए गए हैं, मैं जा रही हूँ भैया के लिए अंडा उबाल के रख देती हूँ, नहा के आएंगे फिर उसके बाद खाएंगे। गाइस मैं नहा लिया हूँ और बहन अंडा उबाल दिए मेरे लिए, तो चलिए अब इसको खा लेता हूँ, फिर उसके बाद नमाज पढ़ने भी जाना है, खा लेता हूँ फिर उसके बाद वजू करूंगा। तो गाइस अब जा रहा हूँ मैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, तो चलिए चलते हैं। और इधर हनी भी है। बाहर तो इतना ज्यादा धूप हो रखा है कि क्या ही बताऊं। मस्जिद ज्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। सो गाइस मस्जिद पहुंच चुके हैं, अब नमाज पढ़ने के बाद आप सभी से मिलता हूं। तो गाइस हम लोग नमाज पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर। चलिए गाइस चलते हैं घर। गाइस आज मैं बनाऊंगी टूटी फ्रूटी। ये कुछ तरबूज के छिलके में रखी हुई थी और इसका मैं बाहरी हिस्सा को छील लेती हूँ, फिर इसको मैं पतला पतला छोटा छोटा कट कर लूंगी। और गाइस मेरे को टूटी फ्रूटी खाने में बहुत अच्छा लगता है और गाइस मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है। और इधर मेरे भैया भी आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। चलिए सभी तरबूज को छोटा छोटा कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उबालने के लिए रख दूंगी। इसको 20 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे। चलिए इसमें पानी डाल देती हूँ, फिर उसके बाद इंडक्शन में उबालने के लिए रख देती हूँ। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मामी को लेके मार्केट, मामी को कुछ काम है और मामा घर पे है नहीं, तो मामी बोल रही है चलिए मेरे को ले चलिए, तो चलिए गाइस चलते हैं। मामी भी आ गई इधर, ये देखिए। तो चलिए जल्दी से जा कर आएंगे, शाम भी होने वाला है। चलो बुलबुल इधर आओ, जल्दी आओ। चलो रेडी हो गई है, चलो जल्दी बैठो गाड़ी में। आइसक्रीम खाएगी, तेरा दांत देख सड़ जा रहा है। गाइस अभी का मौसम देख रहे हैं, चारों तरफ काला बादल छाया हुआ है, लगता है आज बारिश होगा। मामी को ग्राहक सेवा केंद्र में कुछ काम है, तो चलिए मामी के जल्दी से काम करा कर आते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र में पहुंच चुके हैं हम लोग और रास्ते में हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था। बारिश कहीं बढ़ ना जाए नहीं तो हम लोग यहीं फंस जाएंगे। बुलबुल सोते हुए कितनी क्यूट लग रही है। आज यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है, मामी का काम जल्दी ही हो जाएगा लगता है। तो इस मामी का काम हो चुका है, अब चलिए घर चलते हैं। गाइस 20 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से उबल भी चुका है, चलिए आप सभी को दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से उबल चुका है, अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, जब मैं इसमें कलर मिलाऊंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब चलिए उसी बर्तन में चाशनी बना लेते हैं, इसमें अपने हिसाब से शक्कर डालेंगे, शक्कर का अच्छे से चाशनी बन जाएगा, फिर उसके बाद कटा हुआ तरबूज को डाल देंगे। ये देखिए गाइस शक्कर अच्छे से घुल चुका है, अब मैं इसमें तरबूज को डाल देती हूँ और इसको 15-20 मिनट अच्छे से पकाएंगे। आप भी अपने घर में इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। अभी तो तरबूज का सीजन चल रहा है, तरबूज के छिलके को मत फेंकिएगा। तो गाइस ये अच्छे से उबल चुका है, अब मैं इसका पानी को छान लेती हूँ।
मैं तीन कटोरी ली हूँ, तीनों में टूटी फ्रूटी को निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद तीनों में अलग अलग फूड कलर को मिक्स करूँगी। ये रेड कलर मेरा फेवरेट, और ये येल्लो, इसको भी डाल देती हूँ, और ये ग्रीन है, तीनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए गाइस कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में भी मज़ा आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके कुछ घंटों तक रख दूँगी, और जो मैं चाशनी में कलर मिक्स करके डाली थी उसको भी छान लेंगे। तो गाइस कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसको कुछ घंटे तक रख देती हूँ। मैंने खाकर देखा, टूटी फ्रूटी बहुत ही अच्छा लगा। चलिए अम्मी को भी दे देते हैं, अम्मी भी खा लेगी, अम्मी को बहुत पसंद है टूटी फ्रूटी। और बबली वो देखिए शाम का खाना बनाने का तैयारी कर रही है, अम्मी को भी अच्छा लगा टूटी फ्रूटी खा के। अम्मी को कुछ कपड़े प्रेस करने हैं, तो चलिए अम्मी के साथ पेटी से कपड़े निकालने में उनकी हेल्प कर देता हूँ। अम्मी बोल रही थी कि आज मेरे को बहुत सारे कपड़े प्रेस करना है, पहले वाला आयरन खराब हो गया था तो कल ही अम्मी नया आयरन लेके आई है। ये सारे कपड़े धुल धुल के रखे हुए थे, एक भी कपड़े प्रेस करके नहीं रखे हुए थे। कपड़े इतने ज्यादा हो गए हैं, एक अलमीरा और लेना पड़ेगा लगता है। गाइस ये देखिए इतना सारा कपड़ा निकला प्रेस करने के लिए, मेरे को तो नहीं आता यार प्रेस करना, एक बार कर रहा था और कपड़ा जला दिया था मैंने, सीखना पड़ेगा, अम्मी का थोड़ा हेल्प हो जाएगा। गाइस हवा तूफान की वजह से यहाँ का छानी पूरा गिर गया था, तो नाना उसको फिर से बना रहे हैं। चलिए आप सभी को दिखाता हूँ, ये बाहर साइड का पूरा गिर गया था, तो नाना फिर से इसको अच्छे से बना रहे हैं मजबूत, और इसको बनाना भी जरूरी है, बारिश के दिनों में घर के अंदर पानी चला जाता है। बांस से इसको अच्छे से बांध दिए हैं, बस कपड़े को रखना बाकी है। चलिए मैं भी नाना जी का हेल्प कर देता हूँ, इधर साइड में पूरा खपड़ा रखा हुआ है, अब इसको उठा उठा के नाना को दे देता हूँ, फिर नाना खपड़े को अच्छे से रखते जाएंगे। आधा खपड़ा यहाँ पर रखा हुआ है और आधा घर के पीछे, अगर ये कम पड़ेगा तो फिर उधर से भी लाना पड़ेगा, और ये बन जाएगा तो बारिश के साथ साथ धूप से भी बचत होगा। हमारे गाँव में गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी नहीं लगता, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, और पेड़ पौधों की वजह से ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता। नाना बोल रहे हैं कि हो गया अभी इतना ही दे, पहले इतना को कर लेता हूँ। गाइस आप सभी से मैं एक सवाल करता हूँ, आपको अंदाजा लगाकर बताना है मेरे नाना कितने साल के हैं, जो सही जवाब देगा वीडियो में मैं उसका नाम लूंगा। और यहाँ पर सभी बैठकर नहीं पता क्या खा रहे हैं, ये तो बैर है, अच्छा मामी बनाई है गुड़ में मिक्स करके, कुछ नया रेसिपी लगता है। तो गाइस अभी रात का 9 बज रहा है और अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, खाना वाना सब हो चुका है और लाइट भी चला गया है, नहीं पता लाइट कब आएगा। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ, आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय।